हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल फुल ऑफ लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और ठीक होंगे। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत मज़े में हैं। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ आईफोन 11। ये है ब्लैक कलर का आईफोन। जी नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का है। और बट इसकी अनबॉक्सिंग आज हम लोग करेंगे साथ में और देखेंगे क्या इसमें ऐसा नया है, क्या इसकी प्राइस है, क्या कलर्स अवेलेबल है, सब चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में दिखाऊंगी। चलिए, तो पैकेजिंग इसकी अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे बॉक्स फॉर्मेट में आता है पूरा। और इसके बैक साइड में इन लोगों ने लिखा है कि ये 64 GB का है और ब्लैक कलर का है आईफोन 11। बाकी सब डिटेल्स इधर इन लोगों ने लिखी हुई है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं हमारे आईफोन 11 की अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा ब्लैक कलर का आईफोन 11, फुल ग्लास फिनिश के साथ, ग्लॉसी लुक है इसका। और इसके साथ हमें आया है यहाँ पे कुछ गाइड्स और एप्पल के स्टिकर्स जो हर एक आईफोन में मिलते हैं। और ये इंसर्शन टूल सिम लगाने के टाइम पे यूज़ करने। और ये लाइटनिंग केबल वाला हमें USB मिला है। 5 वोल्ट का ये चार्जर मिला है, हालांकि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ हम लोग अगर डिज़ाइन की बात करें तो आईफोन 11 को एलुमिनियम फ्रेम दिया गया है और ग्लास बॉडी दी है बोथ साइड से। इसके राइट साइड में जो है सिम लगाने का ऑप्शन है और पावर बटन है, और लेफ्ट साइड में जो है वो यहाँ पर उन्होंने वॉल्यूम का बटन दिया है और डू नॉट डिस्टर्ब। और नीचे के साइड जो है वो डॉल्बी डिजिटल वाले स्टीरियो स्पीकर दिए हैं, मतलब ऑडियो के मामले में भी ये फ़ोन एकदम ज़बरदस्त है। ऊपर के साइड में यहाँ पर जो है वो फेस आईडी रिकॉग्निशन और फ्रंट कैमरे के लिए है। फ्रंट कैमरा भी इनका 12 मेगापिक्सल का है। तो चलिए अब करते हैं फ़ोन को बूट। जो डिस्प्ले दिया है इस फ़ोन में वो है 6.1 इंच साइज़ का और HD+ डिस्प्ले है 1792x828 पिक्सल। अंदर अगर हम लोग सेटिंग्स में जाके देखें तो हमें इसके अबाउट सेक्शन में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे कि ये iOS 13 जो लेटेस्ट चल रहा है वो वाला वर्जन है इसके अंदर। 64 GB का है, 55 GB जो है वो अवेलेबल है। एक ये फीचर मुझे इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा लगा कि कोई भी ऐप को आप क्लिक कर लो तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली वहाँ पे दिख जाएगी, इस तरह से आपको प्रेस करना है और सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है उस ऐप में। आगे इसके डिस्प्ले और ब्राइटनेस में अगर हम जाके देखें तो यहाँ हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, लाइट और डार्क। हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग उसे सेट कर सकते हैं। काफ़ी कूल था ये फीचर भी। यहाँ अगर हम लोग कैमरे की बात करें तो यहाँ डुअल कैमरा दिया है 2-टोन फ्लैश के साथ, और एक जो है वो अल्ट्रा वाइड सेंसर है जिससे 4K में वीडियोज़ जो है वो ले सकते हैं हम लोग। तो चलिए ओपन करते हैं कैमरा और यहाँ देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर्स दिए गए हैं। तो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट और बैक कैमरा दिया गया है इसके अंदर, और ऊपर के साइड में यहाँ पे जो है वो फ्लैश लाइट दी गई है। एंड बहुत सारे डिफरेंट मोड्स है इधर, पोर्ट्रेट मोड में आप कर सकते हैं और ये पैनोरामा ले सकते हैं, वीडियो जो है वो ले सकते हैं 4K में, वी कैन रिकॉर्ड इट लाइक दिस। इसके अलावा जो टाइम लैप्स और स्लोमो है ये फ्रंट कैमरा में भी अवेलेबल है। यहाँ अगर हम लोग नाइट मोड की बात करें तो ये जो छोटा सा ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है जब भी जो लाइट है वो बहुत डिम रही। और यहाँ पे उन्होंने रेशियोज़ भी दिए हैं कि किन रेशियोज़ में आप लोग जो है फ़ोटोज़ ले सकते हो, फिल्टर्स दिए गए, ये सारे फीचर्स भी दिए गए हैं नाइट मोड के अंदर। और कुछ फ़ोटोज़ जो है मैंने क्लिक की थी नाइट मोड की जो काफ़ी अच्छी आई है, एकदम क्लियरिटी जो है ज़बरदस्त दी गई है। यहाँ अगर हम लोग एप्पल के लोगों की बात करें तो वो मिडल में दिया गया है, ग्लास बॉडी दी गई है दोनों साइड से, टफेस्ट ग्लास है, चांसेस है कि गिरा अगर तो टूटेगा नहीं। और साथ में इन लोगों ने वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया। यहाँ अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें तो लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दिया गया है, इन शॉर्ट में LCD स्क्रीन है। कलर एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कितनी शार्प दी गई है, बहुत ही अच्छे और ब्राइट कलर्स दिख के आ रहे हैं। 4 GB रैम के साथ एप्पल की A13 बायोनिक चिप डाली गई है इसके अंदर जो फास्टेस्ट है। आईफोन 11 जो है वो अवेलेबल है 64, 128 और 256 GB में। अगर यहाँ हम लोग इसकी टच सेंसिंग की बात करें तो ये 120 Hz की है, बहुत ही फास्ट टच सेंसिंग है। प्राइस इसकी 64 GB की 64,900 है इंडिया में और कतर में 2,800। iOS 11 में जो हार्डवेयर यूज़ करे गए हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर है, बिकॉज ये फ़ोन जो है वो लंबे टाइम के लिए चलेगा। इसमें जो भी iOS के अपडेट्स आते हैं वो 4 to 5 ईयर्स तक आते हैं।
अगर हम कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं उसमें 2 ईयर्स के बाद जो है वो अपडेट्स नहीं आते हैं तो फ़ोन आउटडेटेड हो जाता है। तो दिस इज़ अ वर्दी इन्वेस्टमेंट आई वुड से। अगर किसी को एप्पल का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो उन लोगों के लिए ये जो फ़ोन है वो बेस्ट बाय है। बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, इसके साथ में लेवेंडर कलर आएगा, रेड कलर है, वाइट कलर है। और जो वाटर रेजिस्टेंस एप्पल ने इस फ़ोन के साथ दिया है वो 2 मीटर्स तक का है, 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स तक आप इस फ़ोन को पानी में डुबा के रख सकते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और जो बैटरी है आईफोन 11 की वो है 3000 mAh की, यानी 1.5 डे के लिए जो ये बैटरी लाइफ है वो चलेगी। तो ये था मेरा आज का पूरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो आईफोन 11 के ऊपर। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।